व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि किचन में मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि रीता की गाड़ में हो रही है दर्द। रीता लेटी हुई है, हाँ, तो रीता की गाड़ में बहुत दर्द हो रही है, तो वो लेटी हुई है। तो मैंने सोचा चलो, मैं डोनल का दिल कर रहा था आज, और उनका सबका के पराठे और अचार और चाय, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ शाम की, शाम को दिल कर रहा था। वैसे बनाई हुई हैं इन्होंने कलेजियाँ, फ्राई की हुई हैं, तो कह रहे हैं पराठे और अचार खाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा सही है, बना देती। और ये फ्रिज का आटा है मेरे से नहीं, ये पकता बहुत सख्त है। तो आज मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहे, मैं अपने हाथ के आपको पराठे दिखाती हूँ आज की शाम आपके साथ। व्यूअर्स ये देखें, और अचार पराठे और चाय किस किस को पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये गया पहला पराठा तवे पे, और ये रहा चाय का पानी। और ये नहीं समझना कि चाय के पानी में हमारी मट्टी आई हुई है, ये इलायची डाली है। इलायची वाली चाय पीते हैं हम लोग। पराठा असल में ये फ्रिज का आटा है ना, ये बना लेते हैं फ्रिज का, मेरे से नहीं बनता सही। मैं बनाती हूँ फ्रेश आटे के पराठे, और फ्रेश आटे के मुझे अच्छा लगता है। मैं हर चीज़ मसाला भी फ्रेश कूटती हूँ, हर चीज़ देसी तरीके से बनाती हूँ मैं। अभी सर्दियाँ आएंगी तो फिर आपके साथ साग शेयर करूँगी, क्योंकि साग भी बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी बनाती हूँ मैं। और पराठा देखें कैसा यम्मी बना, फूल रहा है दोनों को, मुझे लग रहा है भूख लग रही है। मेरा फेवरेट है अचार पराठा, कड़क पराठा और साथ में चाय का कप हो, मज़ा आ जाता है खाने का। और ये कलेजी इतने शौक से नहीं खाता, कलेजी से मेरा दिल खराब होता है, मेरे को अच्छा लगता है फिफरा। मौसम भी इतना अच्छा था, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो शाम हो गई है, फिर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही देखें है। ये हमारी ग्रिल भी लग गई, हमारी नहीं ऊपर ग्रिल भी लग गई है, हमारा छत पे जाने का सिस्टम बंद, बिल्कुल पैक कर दिया हमारे को मालिक मकान ने इतनी सी हदूद में, ये इतने से एरिया में बिल्कुल पैक को के रह गए हम लोग, छत उसने बंद कर दी है। तो बस पराठा मेरा तैयार हो चुका है, एक यमी यमी पराठा, जिसने खाना है वो आ जाए। और अभी गैस करूँगी मैं थोड़ा हल्का, क्योंकि पराठे हैं आटा जो है ना ये है फ्रिज का, और ये मेरे से नहीं बनता। तो आप वीडियो में हमारे साथ ऐसे ही बन रहे, हमारे पूरे पराठे बनते तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते, जब तक चाय भी बन जाए। तो जो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो अभी ये सारे पराठे बन जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखें, पराठे हमारे हो चुके हैं रेडी, ये आखिरी पराठा पक रहा है तवे पे, और ये सारे पराठे बन गए, और ये अचार भी आ गया। अब चाय के साथ चाय भी बन गई मेरे, तो बनाए हैं क्योंकि थोड़ा ने नाश्ता कर लिया, बाकी बच्चों ने नाश्ता नहीं शाम का, शाम का खाना खा लिया, तो बस हम लोग जो घर पे हैं खाएंगे बस। मेरे तो मुंह में अभी से पराठा देख के पानी आ रहा है जी। तो ये देखे पराठे हमारे कैसे यमी पराठे हैं, जिसने खाने हैं वो आ जाए। और अम्मी ने अचार को तड़का भी लगा दिया, मैंने वो जो घी ऊपर बचा हुआ था ना वो इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि तेल मुझे बहुत अच्छा लगता है अचार में, और मैं बड़े शौक से खाती हूँ, तो इसमें कम था तो वो घी बच रहा था, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो चाय अब डोना डालेगा, चाय भी हो गई है ऑलमोस्ट, चाय भी हो गई है हमारी रेडी हो गई है। तो जिसने खाना है वो आ जाए, अभी हम तो खाने लगे हैं। और लैवी की तबीयत ख़राब है, तो लैवी को खांसी लगी है, तो उसका बंद भी रेडी है, बंद है उसको, क्या है ना वो बारिश में ना आई है, वो जो परसों हुई है ना तूफ़ानी बारिश, उसको खांसी और जुकाम हो गया है, तो उसके लिए बंद भी रेडी है, क्योंकि वो पराठा तो खाएगी नहीं। लेवी का बंद, लेवी का बंद शॉपर में रहने देते ना, नहीं वो भी खाएगी ना चाय के साथ, फिर उसको दवाई दूंगी। तो अभी हम खाते हैं खाना और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। तो अम्मी इजाज़त ले लें, तो
हाँ तो मिलूंगी आपसे, हमारी आज की वीडियो यही तक थी, आपसे मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, और कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।